तो जनाब शिर्क में, चाहे बुतों के बारे में हो, चाहे मरे हुए बाबों के बारे में जो अपनी जिंदगी में अपना पेशाब नहीं रोक सकते थे, उनको अगर तुम मुश्किल कुशा मानोगे, हम वो सारी याद उधर भी फिट करेंगे। वैसे मुझे तो जरूरत नहीं है, मैंने तो ईसा इब्ने मरियम और उनकी वालदा के बारे में आयत पेश कर दी है सूरतुल मायदा की 72, क्यामत तक के लिए फकी दे दी है कि ईसा और उनकी मां रोटी खाने के मोहताज थे। तुम ऐसों को पूछते हो जो ना तुम्हारे नफे के मालिक है ना नुकसान के। अब मुझे बताओ, ईसा और उनकी मां क्या बुत थे? कौन सा बाबा है जिसका मर्तबा सैयदा मरियम से बढ़कर हो? कौन सा तुम्हारा बाबा है जिसका मर्तबा ईसा इब्ने मरियम से बढ़कर हो? उलुल अज़म पैगंबर अल्लाह ने फरमाया, इन दोनों को क्रिश्चियंस इनकी इबादत कर रहे हो जो कि ना तुम्हारे नफे के मालिक ना नुकसान के। अच्छा, ये भागते थे, वो कहते थे ओ जी हम बाबों की इबादत तो नहीं करते, हम कहते हैं रुको जरा सबर करो, आगे चल। आगे लिखा है तेरे नफे नुकसान के मालिक नहीं ईसा और उनकी मां। आया ना दाड़ थले, छड़ दे इबादत नू, अगर ईसा और उनकी मां नफे नुकसान के नहीं है तो तुहाडे बाबे ते शाही कोई नहीं।